ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। वर्टिकल ट्रांसमिशन के जरिए नहीं फैल रहा कोरोना संक्रमण, कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं और मेडिकल साइंस के लिए राहत भरी खबर। कोरोना की महामारी के चलते अब एक राहत भरी खबर बटाला के सिविल अस्पताल से आ रही है। ये राहत भरी खबर उनके लिए खास तौर पर अहमियत रखती है जो औरतें गर्भवती हैं। गर्भवती औरतों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर गर्भवती औरत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो इस बात से गर्भवती औरतें निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव हो। क्योंकि वर्टिकल ट्रांसमिशन के जरिए कोरोना नहीं फैल रहा, जिसका सबूत है बटाला के सिविल अस्पताल में दो कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की कोख से जन्म लेने वाले दो बच्चे, जिनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ चुकी है। ये कहना है बटाला के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजीव भल्ला का, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राहत भरी खबर यह है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन में कोरोना संक्रमण नहीं हो रहा। यानी कि अगर गर्भवती औरत कोरोना से पीड़ित है तो उसका होने वाला बच्चा भी कोरोना से पीड़ित ही होगा, ये कहना मुश्किल होगा। डॉक्टर भल्ला का कहना है कि दूसरे देशों में पहले भी ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं जिसमें गर्भवती महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे कोरोना नेगेटिव निकले, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन से कोरोना नहीं फैल रहा। वहीं अब सिविल अस्पताल बटाला के SMO का कहना है कि कुछ दिन बाद दोनों बच्चों के दोबारा टेस्ट किया जाएगा। अगर दोबारा फिर बच्चे नेगेटिव आते हैं तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर होगी मेडिकल साइंस के लिए और हमारे समाज के लिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। गैप दे के रखा जा रहा है और बच्चों दुध जो बेस्ट फीडिंग की जा रही है, बड़े प्रिकॉशनरी अंडर दी सुपरविजन ऑफ पीडियाट्रिशियन स्टाफ नर्स करवाई जा रही है। एक गल जी मैं स्टडीज भी थोड़िया फॉलो की है, वो भी यह लगा है भी कई होर बच्चे भी जिन्हों दिन मतलब पॉजिटिव सामने नैगेटिव आई हैं और शायद वर्टिकल ट्रांसमिशन ये ना हो, फिर भी अभी इन्होंने बच्चों के दोबारा टेस्ट करावे जे बच्चे नैगेटिव आते हैं। एक बहुत अच्छी खबर होगी कि अभी उस तो मदद के नैगेटिव बच्चे जो साढ़े को आ रहे हैं और यदा जो परसेंटेज आई है ये बहुत वधिया होएगा बहुत सारिया मावां लई साढ़े समाज में। सर साहब, वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा तो किस तरह का फिर मेडिकल लाइन के किस तरह की राहत वाली खबर है, मावां नूं किस तरह की राहत वाली खबर है? क्योंकि बहुत सारिया डिजीज ने जिदे वर्टिकल ट्रांसमिशन की डाउट हों, वो माँ तो बच्चे इनफेक्शन होंगे। जे माँ तो बच्चे इनफेक्शन नहीं होया तो ये एक चीज़ बड़ी पक्की है भी जे माँ भी ठीक हो जाती है बच्चा भी सेफ हो जाता है, तो एक सेफ हाई रिस्क सेफ डिजीज है वो मिले जाए। किन्ने टेस्ट होर इन बच्चों ने किए जाएंगे? अरे दो टेस्ट हो करा, एक तो अब जो गल करा और एक 14 दिन तो कंप्लीट होते करा। जे वो भी नैगेटिव आते तो अच्छी खबर है, फिर आप हायर अथॉरिटीज के साथ कंसल्ट करके थोड़ा जा जो साइंटिफिक बेस है उन्होंने स्टडी कराएंगे।